परम पूज्य और गुरुदेव जी, वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, अभी बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। जगत में कोई नहीं परमानेंट, इस दुनिया में, इस धरातल में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो परमानेंट हो। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां सबको परमानेंट बस जाना पड़ता है। भजनकार कहते हैं कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां सबको परमानेंट हो जाना है और उसकी तैयारी हम सबको करना चाहिए। यदि उसकी तैयारी हम नहीं किए तो जीवन दुखदायी हो जाएगा, जीवन कष्टमय हो जाएगा, जीवन पीड़ादायक हो जाएगा और हम कराह कराह करके जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम याद करिए, वो कौन सा दिन होगा जो परमानेंट होगा? वो एक ऐसी स्थिति होगी जहां पैर पसार दिए जाएंगे, हाथ उठा नहीं पाएंगे, पैर सिकोड़ नहीं पाएंगे, आंख से देख नहीं पाएंगे, कानों से सुन नहीं पाएंगे, जीभ से रसपान नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां हम सदा सदा के लिए विचलित, हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी गहरी निद्रा पर सो जाएंगे जहां से फिर कभी नहीं उठेंगे, हम कभी नहीं उठेंगे और उसकी याद हमें नहीं होती है, इसलिए हम शिकायत भरी जिंदगी करते हैं। यदि उसकी याद हो जाएगी, हमको एक दिन परमानेंट हो जाना है, कौन सा परमानेंट? मौत की टिकट लिए हैं हम सब बैठे हैं। आप सभी के सभी कहीं कहीं यात्रा करते होंगे, यात्रा के दौरान थोड़ा बेस बढ़ा देंगे, हेलो बेस बढ़ाएंगे बेस। यात्रा के दौरान सभी लोग कहीं से टिकट लेते हैं और टिकट लेते हैं, लेकिन टिकट कंफर्म होना या नहीं होना कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सभी के सभी यहाँ जितने धराताल पर जन्म लिए हैं, सभी ने मौत का टिकट ले रखे हैं और सबका टिकट कंफर्म होना ये गारंटी है, सबका टिकट कंफर्म होना है। बशर्ते अंतर इतना है, किसी का टिकट पहले कंफर्म होता है और किसी का टिकट बाद में कंफर्म होता है, लेकिन होता जरूर है। आप सब कभी मौत का टिकट कंफर्म होगा और सत्संग वही चीज याद दिलाता है। इसलिए एक छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी में किसके साथ शिकायत करे? भाई और भाई लड़ करके जिंदगी को बर्बाद मत करे, सास और बहू लड़ करके जिंदगी को बर्बाद मत करे, देरान जेठान पड़ोसी के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ लड़ करके जिंदगी को बर्बाद मत करिए। आप अपने समय को बर्बाद मत करिए, आप बेशकीमती जीवन है, आज सुंदर अवसर मिला है, यह अवसर हमको कल नहीं मिल सकता है। आज हमारे पास देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है। आज हम सत्संग सुनना चाहते हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन इसी दुनिया पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग सुनना तो चाहते हैं लेकिन कानों से सुनाई नहीं देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखना तो चाहते हैं, संतों का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आँख नहीं दिखती। बहुत से लोग हैं चाहते हैं मैं सत्संग सुनने जाऊँ, कान से आंख से सही है लेकिन पैर से नहीं चल सकते, बेचारे लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, सत्संग में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम सब के सब सौभाग्यशाली है जो सत्संग में बैठे हैं। लेकिन सत्संग में बैठते हुए भी यदि सत्संग ज्ञान चर्चा करते हुए भी जीवन में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो एक आदमी जिसे हम दुर्भाग्यशाली कह रहे हैं जो सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हम लोग हो जाएंगे। यदि हमने सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वही राग देश, वही तेरा मेरा, वही झगड़ा लड़ाई, वही गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब, वही गाली निंदा चुगली, तो फिर हम बेकार चले गया, हमारा शरीर और हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। एक आदमी जिसे हम अभागा कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभागे हम हो जाएंगे क्योंकि हमने जानबूझकर हमने कपट किया। सदगुरु कबीर कहते हैं जानबूझकर कपट करूँ था तही अस मंद न कोई, और शायद हम जैसे ही लोगों के लिए कहें,
हम जानते हैं ये गलत है पर भी वही गलत करते हैं, जानते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए पर भी निंदा करते हैं, जानते हैं एक दूसरे को शिकायत नहीं करना चाहिए पर भी शिकायत करते हैं, क्या हम अंधे नहीं हैं? एक आदमी जिसे हम कहते हैं कि बेचारा देख नहीं सकता अंधा है, एक आदमी बेचारा देख नहीं सकता अंधा है, हम उसे कहते हैं वो तो सच में अंधा है, क्या हम अंधे नहीं हैं? हम जानते हैं एक पाउच में लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब में लिखा होता है, बीड़ी में सिगरेट में लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट में बाहर, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर भी हम उस चीज़ों को हजम कर जाते हैं, क्या हम अंधे नहीं हैं? हम जानते हैं कि सास और बहू में लड़ाई होना मतलब अपने जीवन को एक खतरनाक चुनौती देना, पर भी हम लड़ते हैं, क्या हम अंधे नहीं हैं? कैसे चुनौती देते हैं बताऊं? यदि आपके घर में परिवार में सास और बहू में लड़ाई होती है मतलब आप सास और बहू ही नहीं लड़ते हैं, परिणाम क्या होता है? आप अपने जीवन को चुनौती देते हैं। आप अपने जीवन को कैसे चुनौती देते हैं मतलब आप जब जब लड़ते हैं तब तब आपके घर का माहौल बिगड़ जाता है, तब तब आपके बच्चे में एक डरावना सा आ जाता है, तब तक आपके बच्चे देखते हैं और वो सीखते हैं आप जो अपने सासू माँ के साथ करते हैं, आप जो अपने बहू के साथ करते हैं, मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चे को आपने एक ऐसा संस्कार दिया जो संस्कार आपके लिए बुढ़ापे के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आपने बच्चे को वो सीख सिखाया, वो पाठ पढ़ाया जिसके बदौलत बच्चे को संस्कार नहीं मिल पाया और बच्चे आपके गलती से आपके प्रति श्रद्धा और भाव नहीं रह गया, मतलब क्या हुआ? आप लड़ते हैं सास और बहू और अपने जीवन अपने बुढ़ापे को बर्बाद करते हैं, बुढ़ापा को बर्बाद करते हैं, मतलब आपके बुढ़ापे में वही बच्चे साथ देंगे, आपके बुढ़ापे में वही बच्चे साथ देंगे। इसलिए आप जितने लोग बैठे हैं सभी से निवेदन करता हूं, यदि अपना बुढ़ापा सुखद बनाना चाहते हैं, अपनी बुढ़ापा में चमन और यैन के साथ जीना चाहते हैं, यमन चैन के साथ जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, तो अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत बनाइए, अभी इसे मजबूत कर लीजिए अपने बुढ़ापे की लाठी को। अपने बुढ़ापे की लाठी मतलब एक बाँस का डंडा रख ले, वो बुढ़ापे की लाठी नहीं है, आपकी बुढ़ापे की लाठी आपके घर के बच्चे हैं, आपके बुढ़ापे की लाठी आपके संस्कार हैं, आप जो बच्चे को सीख देते हैं वो आपके बुढ़ापे की लाठी है। यदि आपने बच्चों के अंदर गलत भाव भरा, आज गलत संस्कार भला, वही चीज़ आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। आपके घर में संपत्ति है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है, परिवार है, सब कुछ है, पर आपके घर में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो मूल चीज है उसको नहीं देखा है, आपने अपने बुढ़ापे को नहीं देखा, आपने वर्तमान को देखा और वर्तमान के जोश में आकर के अपना होश खो बैठे और अपना सब कुछ गंवा बैठे। आपने सुखद जिंदगी जी, आप आज अवसर मिला है, बार बार इस मंच से ही कहा जाता है, आज अवसर नहीं मिल सकता मिला है, कल नहीं मिल सकता है। आज आपके पास वो शक्ति है, योग्यता है, अपने बाहों भर पर वो भरोसा रखिए, अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखिए, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेम की जिंदगी आपके घर के माहौल बदल देता है और प्रेम नहीं वह घर में नरक का द्वार बन जाता है। प्रेम के अभाव में परिवार टूट करके बिखर जाता है, प्रेम के अभाव में समाज टूट करके बिखर जाता है, प्रेम के अभाव में गांव टूट जाते हैं, देश टूट जाते हैं, राष्ट्र टूट जाते हैं, टूट करके बिखर जाते हैं। आप किसी के घर में देखे हैं पैसे के अभाव में घर टूटता हो? आप किसी के घर में देखे हैं खाने पीने के सामग्री नहीं इसलिए घर टूट करके बिखर गया? नहीं, आपका घर टूटता है आपके प्रेम के अभाव में। आप घर को एक ऐसा सुंदर रूप दीजिएगा, आपके घर के माहौल को ऐसा बनाइए कि आपके बुढ़ापे में आपको महसूस हो, जितने लोग यहाँ से सत्संग सुन रहे हैं आपको महसूस हो, मुझे जो जिंदगी जीना चाहिए था मैं वो जिंदगी जिया हूँ,
मुझे जीवन में जो काम करना चाहिए था वो काम किया हूँ। यदि ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, आपको ही आपके बच्चे कोसेंगे, आपके ही बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, आपके ही बच्चे आपसे नफरत करेंगे, आपके ही बच्चे आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। यदि आपने सुंदर जीवन का निर्माण नहीं किया तो दुखद यात्रा होगी आपकी। आपने बच्चे को पैसा दिया, गाड़ी दिया, मोबाइल दिया और सब कुछ दिया, बच्चे खुश हो गए, लेकिन कितने दिन खुश रहेंगे पता है? 4 महीना 6 महीना खुश रहेंगे। और यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया ना, तो बच्चे जीवन भर रोएंगे। यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। इसलिए बच्चे को कार दो या मत दो, गाड़ी दो या मत दो, मोबाइल दो या मत दो, लेकिन बच्चे को जरूर संस्कार देना, और वो सत्संग संस्कार, ज्ञान रूपी संस्कार देना। मनुष्य होने की योग्यता पैदा करना उसके अंदर। मनुष्य कैसे बना जाता है? आज पूरे भारत देश में भारत सरकार के पास बहुत सारी सुविधाएँ हैं। आदमी को इंजीनियर, मास्टर, आईपीएस, आईएएस अफसर बनाया जाता है। क्या कोई भारत सरकार के पास ऐसा कोई केंद्र है जहां आदमी को आदमी बनाया जाता हो? क्या आपके परिवार में कभी चर्चा होती होगी आपस में बैठ करके? आपके परिवार में जरूर चलता होगी कि ये बिजनेस करना है, यहां जाना है, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, पैसा देना है, ये सारी चर्चाएँ होती होगी। लेकिन आपके घर में कभी चर्चा होता है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे को मैं इंसानियत बनाकर, इंसानियत पैदा हो, वो चीज़, वो संस्कार उनके अंदर मैं दूंगा, क्या आपके घर में चर्चा होती है? क्या आपके घर में कभी चर्चा होती है कि बच्चों बड़ों के साथ कैसे सम्मान से बात किया जाता है, बड़ों को कैसे आदर सत्कार दिया जाता है, संत गुरुजन से कैसे मिला जाता है? क्या आपके घर में ये चर्चा नहीं होती है? नहीं होती है। और कहते हैं बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते हैं। आपने बच्चे को पैसे कैसे कमाना है ये सिखाए आपने, आपने बच्चे को ये सिखाया कि कैसे योग्यता बढ़ानी है, नौकरी कैसे पाना है, मकान कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे खरीदना है, ये सारे चीज़ सिखाए, और आपके घर में सब कुछ बढ़ता चला गया। आपने पैसा चाहा, पैसा बढ़ा, मकान चाहा, मकान बढ़ा, गाड़ी चाहा, गाड़ी बढ़ा, लेकिन क्या आपने ये भी चाहा कि बच्चे के अंदर संस्कार हो? वो नहीं हुआ, इसलिए नहीं सीखे बच्चे, और बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं बढ़ा। आज भारत देश की एक दुख भरी कहानी है। आज भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि आज हमारे भारत देश में योग्यताएं बढ़ती चली जा रही हैं, शिक्षा बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत देश में आपस का प्रेम घटता चला जा रहा है। विज्ञान की देन है, विज्ञान ने भाई देश और काल की दूरी को तो घटा दिया, लेकिन विज्ञान ने दिल दी एक दूसरे के दिल की दूरी को बढ़ाता चला गया। आज भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, कबीर जैसे महापुरुष हुए, आज हम भारत देश के एक ऐसी भूमि पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं जहां पर भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष हुए, और इसी भारत देश में, इसी भारत भूमि में, इसी बिहार में भगवान बुद्ध हुए, और आज इसी भारत भूमि पर बिहार में अगर भगवान बुद्ध आ जाए तो उनको आश्चर्य होगा, आज इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आप अपने जीवन में बदलिए। सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। यदि आपने ये चीज नहीं किया तो आपका बुढ़ापा दुखद हो जाएगा। आज ये अवसर मिला है, बच्चे को वो संस्कार भरिए कि कल के दिन में आपसे बच्चे सम्मान कर सके। कल के दिन में आप कहीं भी जाएं तो आपके बच्चे आपको सामने बिठा सके, कहीं भी जाए तो आपसे सम्मान से मिला सके। आज के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, योग्यता इतनी हासिल हो जाती है कि आपके लिए फिर आपके पास टाइम ही नहीं रह जाता है। आपके बच्चे के पास आपके लिए टाइम ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने वो सीख नहीं दिया, और इसी का परिणाम है आज भारत देश में वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी का परिणाम है आज भारत देश में वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारी योग्यता बढ़ती जाए, हम पैसा कमाते जाए, ये फिर ये शिक्षा नहीं हुआ। ये शिक्षा नहीं हुआ तो बिजनेस हो गया ये, और बिजनेस से अध्यात्म का विकास नहीं होता है। बिजनेस से बाहरी विकास हो सकता है, अध्यात्म का विकास नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ही होना चाहिए कि बड़ों से सम्मान, आदर और भाव और सत्कार सीखे, अपनी संस्कृति को हम समझे। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए
लेकिन आज की शिक्षा सिर्फ नौकरी सिखलाती है। आज की शिक्षा सिर्फ एजुकेटेड बनाते जाते हैं आदमी को। आज की शिक्षा सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बच्चे कैसे नौकरी करें, और शिक्षा का मतलब नौकरी बन गया है। और जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी रहेंगे, मतलब तब तक क्या होगा, तब तक आप सिर्फ नौकर ही बने रहेंगे, मालिक कभी नहीं बन सकते आप। यदि शिक्षा का मतलब आप नौकरी समझते हैं, तो नौकरी का मतलब आप सिर्फ नौकर ही बनेंगे, मालिक कभी नहीं बन सकते हैं। आप अपना मालिक बनिए, आप अपने ज़िंदगी के, आप अपने जीवन के मालिक बनिए, अपना संविधान खुद लिखिए। आप अपने जीवन के कर्मों को ऐसे जिए कि आपको अपने आप में महसूस हो, मुझे जो जीवन जीना चाहिए था, जीवन का निर्माण किया मैंने, सुंदर ढंग से, सुंदर रूप से अपने जीवन को लिखा है। प्रकृति की ओर से हमको जीवन मिला है, ये हमारे हाथ में नहीं था। प्रकृति की ओर से हमको जन जीवन मिला, मनुष्य का शरीर मिला, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमारी, जब समय पूरा होगी, अवधि पूरा होगी, तो मृत्यु भी हो जाएगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में एक सुंदर अवसर मिला है, एक सुंदर जीवन मिला है। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन मिला है, और इस जीवन में गीत लिखो या गाली, सब तुम्हारे हाथों में। आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं आप अपने जीवन में? यही लिखना चाहते हैं कि हम सास बहु लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, देरान जेठान लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं? क्या आपके जीवन में यही लिखा हो? आपके जीवन की कोई डायरी देखे तो देख करके महसूस हो उनको कि वास्तव में इनके जीवन में वो चीज लिखा हुआ है जिसके पर, जिसको पढ़ करके कोई भी आदमी अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है। यदि ये काम हम नहीं करते हैं, मतलब हम सुंदर जीवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आप सुंदर जीवन का निर्माण करिए। मैंने बीच में कहा, बच्चों को वो संस्कार दीजिए, वो योग्यता दीजिए कि आपके बच्चे आपको सम्मान दे सके, आपके बच्चे आपको सम्मान दे सके। मैं आते आते कहानी सुन रहा था, घटना, तो मुझे घटना की याद आई। एक संत कह रहे थे कि आपस का, घर का प्रेम, घर का माहौल आपके बुढ़ापे की स्थिति तय करता है। यदि आपने आज सुंदर घर बनाया, सुंदर घर के माहौल को ढाला, बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, मतलब आपका बुढ़ापा सुखद होगा। एक घटना बताऊं, फिर अपनी बात समाप्त करूं। एक व्यक्ति, एक संत रास्ते से गुजरते गुजरते जा रहे थे। रास्ते से चलते चलते जा रहे हैं, उधर से देखते हैं एक बहन अपनी बुढ़िया माँ को, एक बुढ़िया माँ को बड़े प्यार से नहला रही है। उस बहन की स्थिति देखती है, बड़ी प्यार से नहला रही है। जाकर के करीब पूछते हैं, बहन ये बुढ़िया माँ की अवस्था क्या होगी, उम्र क्या होगी? वो बहन बोलती है, महाराज जी, इस माता जी की उम्र लगभग लगभग 80 साल की अवस्था है, और 80 साल की अवस्था में शरीर के चाम में सिकन, शरीर शिथिल पड़ जाता है। कहते हैं संत जी, महाराज जी उनको कहते हैं, क्या तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारी क्या ये माँ है, बड़े प्यार से नहला रहे हो? बहन बोलती है, महाराज जी, ये मेरी माँ नहीं है, माँ से बढ़कर के रिश्ता है। फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारी ये सासू माँ है? महाराज जी, मेरी सासू माँ नहीं, उससे और बढ़कर के रिश्ता है। महाराज जी को आश्चर्य हुआ, इस धराधाम पर एक माँ जैसे पवित्र रिश्ता, उससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? पुनः पूछते हैं, न तुम्हारी सासू माँ है, न तुम्हारी माँ है, आखिर है तो कौन? वो बहन बोलती है, महाराज जी, ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मेरे माथे में बिंदिया है, आज मेरे गलों में मंगलसूत्र है, आज मेरे हाथों में चूड़ी है, और आज मेरे पैरों में माहौर है।
ये वो माँ है जिसके बदौलत जिस घर में मैं टिकी हूँ, ये वो माँ है जिसके बच्चे के आज मैं सुहाग हूँ। क्या आपके घर इतना प्रेम होने के बाद कभी घर में सास और बहू में लड़ाई होगी? क्या आपके सासू माँ को इतना हक नहीं है कि आप कभी गलती करें तो ऊंच नीच की बातें आपको बोल सके? क्या आपके सासू माँ को इतना ही हक नहीं दे सकते कि आपकी गलतियों पर आपको टोक सके? अपनी जीवन की सारी कमाई जन्म से लेकर के जब से आती है ससुराल में शादी होने के बाद में बुढ़ापे तक की अपनी सारी कमाई पाई पाई जोड़ करके एक एक रुपये जोड़ करके खून पसीने एक करके सारे पैसा कमाया और सब कुछ तुमको घर के मालिक बना देने के बाद में क्या तुम्हारी सासू माँ को इतना इतना आप योग्यता नहीं दे सकते, इतना आप उनको सम्मान नहीं दे सकते कि आपके गलतियों पर आपको रोक सके, आपके गलतियों पर आपको टोक सके? यदि आप ये चीज नहीं कर सकते तो आप घर की सुंदर बहू नहीं बन सकते हैं, आप सुंदर घर नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा, जो दिन आज आप करते हैं, जैसे आज व्यवहार करते हैं, वह दिन आपके साथ एक दिन लौट करके आएगा और एक दिन आप भी घर के मालकिन बनेंगे, आप भी एक दिन घर के सासू माँ होगी। आज जैसे आप घर के बहू के साथ आज जैसे घर के सासू माँ के साथ बर्ताव करते हैं, वही व्यवहार आपको एक दिन आपके बहू भी करेगी। इसलिए माताओं से भी निवेदन है कि आपके घर को ऐसा सुकून बनाइए, आपके घर में एक ऐसा माहौल बिखेरिए कि आपके घर में लगे कि कुछ अलग ही जिंदगी है। याद रखिएगा, आपकी बेटी ही तो आपकी बेटी है, आपकी बेटी ही तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपके बहू को एहसास हो जाए कि मेरे असली माता पिता वास्तव में मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक सासू माँ ही नहीं बल्कि एक माँ बन जाती है और माँ बनने की स्थान और योग्यता मिल जाती है। उस दिन आपके बहू आपको सासू माँ की तरह नहीं देखती है, आपकी बहू आपको बहू की तरह नहीं देखती है, बल्कि आपके बहू उस दिन से आपको अपनी माँ की तरह देखती है और बेटी की तरह देखती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सुंदर ढंग से जीने का प्रयास करिए। आपके ही माहौल से घर बनता है, आपकी ही सुंदर ढंग से घर का माहौल तैयार होता है और यही बुढ़ापे में सुखद यात्रा है और यही बुढ़ापे की लाठी मजबूत करना है। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि आप अपने अंतिम यात्रा की तैयारी करें, आप अपने परमानेंट जो स्थिति आने वाली है उसके पहले अपने जीवन को, शरीर की चिता जलने से पहले शरीर की चिंताएं को जला दीजिए, मन के वेदनाओं को जला दीजिए, शरीर की अर्थी उठने से पहले जीवन में जितनी भी अर्थियां हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इन अर्थियों को दफन कर दीजिए। आपका घर सुंदर बन जाएगा और सुंदर समाज का निर्माण होगा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बोली।